आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर की कोरोना से संदिग्ध मौत। खंडवा आरपीएफ थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर रमापति पांडे 58 वर्ष की आज इंदौर में कोरोना के उपचार के दौरान मौत हो गई। उनके पुत्र को कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट कंफर्म हुई है, लेकिन सब इंस्पेक्टर की रिपोर्ट आना शेष है। एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर पांडे को कल जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन मात्र 40 था, जो बहुत कम था। ऑक्सीजन देने के बाद यह बढ़कर 80 जरूर हुआ, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती देख उन्हें इंदौर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि उन्हें कोरोना संक्रमण के प्राथमिक लक्षण थे। उनकी तथा उनके बेटे का कोरोना सैंपल 18 मई को लिया गया था, जिसमें बेटे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। बेटे की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उसे खंडवा जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। वहीं उनके अन्य परिजनों के भी सैंपल लिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आना प्रतीक्षित है। आरपीएफ थाना प्रभारी टीआई महेंद्र कुमार खोजा ने बताया कि रमापति पांडे 13 मई तक ड्यूटी पर ही थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उपचार के लिए छुट्टी दी गई थी। उनके बेटे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इससे उनके भी संक्रमित होने की आशंका है। इस स्थिति को देखते हुए आरपीएफ के तमाम स्टाफ का भी टेस्ट कराया जा रहा है। ड्यूटी के दौरान कोरोना से मौत होने के कारण विभागीय सहायता का आश्वासन उच्च अधिकारियों ने दिया है।